ये भाजपा के 42वें स्थापना दिवस की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कार्यकर्ताओं में जोश भरने वाला उद्बोधन और उनमें साफ कहा है कि देश के प्रति राष्ट्रवाद बहुत जरूरी है, लेकिन कुछ लोग परिवारवाद में डूबे हुए हैं और उनकी राष्ट्रभक्ति से ज्यादा भक्ति उनकी परिवारवाद में है। और ऐसे परिवारवाद को जब चश्मा चढ़ता है तो संविधान भी ताक में रख देते हैं, जिससे लोकतंत्र को नुकसान होता है। सीधा हमला उनका कांग्रेस सहित दूसरी विपक्षी पार्टियों पर रहा, जिसको लेकर के वो जिक्र कर रहे थे। चले, लेकिन 6 अप्रैल 1980 में जिस पार्टी का उद्गम हुआ, आज ये कहूं कि शून्य से शिखर तक, जीरो से और अपने मकसद तक पहुंची ये पार्टी। दूसरी बार क्लियर मेजोरिटी के साथ में सरकार बनाने में कामयाब रही। हालांकि बीजेपी सरकार पहले भी 2 बार बना चुकी है। अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री बने, 3 बार उन्होंने शपथ ली, 1 बार 13 दिन में सरकार चली गई। तो चलिए, ये पूरा सफर है उसको लेकर के एक जर्नलिस्टिक तरीके से, या कहूं कि उस सोच के साथ में इस पूरे कालखंड का, या कहूं 42 साल का क्या कुछ रहा बीजेपी का, किस अपने मकसद में कितनी कामयाब रही, क्या एजेंडे पे चल पाई, सत्ता सर्वोपरि रही, बहुत सारी चीजें हैं जिनको लेकर के हम चर्चा करेंगे। क्या ऐसा कुछ रहा इसमें? ओम सैनी साहब हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार और समीक्षक जुड़ रहे हैं। हमारे साथ महेश शर्मा साहब वरिष्ठ पत्रकार जुड़ रहे हैं। उमेंद्र दादी साहब वरिष्ठ पत्रकार जुड़ रहे हैं। तीनों सीनियर जर्नलिस्ट हैं। जो ये पूरा सफर बीजेपी का रहा, अटल अडवाणी की जोड़ी से लेकर के आज मोदी अमित शाह की जो जोड़ी है, उस तक का जो सफर रहा, बेशक लाल कहने को कहा जाए कि जेपी नड्डा साहब अध्यक्ष हैं, लेकिन आज भी प्रभावशाली अगर व्यक्तित्व के रूप में बीजेपी में मोदी के साथ किसी को देखा जाता है तो वो अमित शाह को माना जाता है। ओम जी, आपके पास आना चाहूंगा मैं। ये पूरा सफर अगर आप 42 साल का हम देखें तो एक पत्रकार के नजरिए से आप किस तरह से देखते हैं इसे? देखिए, जनसंघ के जमाने को आप अलग रख दीजिए। जनसंघ के जमाने तक तो ये पार्टी उस तरीके से रिकॉग्नाइज नहीं थी, लेकिन 1980 में तो दिन आपने बताया 6 अप्रैल के बॉम्बे अधिवेशन हुआ, तो उसमें अटल बिहारी वाजपेयी साहब ने जो घोषणा पत्र तैयार किया था और उसकी सदारत कर रहे थे अब्दुल करीम छागला, तब उन्होंने कहा था सारा सब कुछ पढ़ने और देखने के बाद में कि अब मुझे विश्वास हो गया है कि कांग्रेस का विकल्प भारतीय जनता पार्टी के रूप में सामने आ रहा है। और भारतीय जनता पार्टी के आने का मतलब यह था कि काफी अरसे से कांग्रेस का जो एक अपना डिक्टेटोरियल एटीट्यूड हो गया था सारी डिफरेंट स्टेट्स में, उसको लेकर के बड़ा प्रतिपक्ष में बड़ी नाराजगी थी और वो बदलाव चाहते थे। राज्यों के जो इलेक्शन हुए उसमें जो जिस तरीके से रीजनल पार्टीज ने मिलकर अपना शासन बनाया, वो भी एक सीन है। तब अब्दुल करीम छागला का यह कहना था कि अब्दुल करीम छागला समझते थे कि 2 ही पार्टियां होनी चाहिए, जो बड़ी पार्टियां हों और जो राष्ट्रीय पार्टियां हों और जो इस डेमोक्रेसी को चला सके, तो उसमें कांग्रेस को समझते थे और फिर ये भारतीय जनता पार्टी के उद्गम से उन्होंने कहा कि अब लगता है कि प्रतिपक्ष एक जगह इकट्ठा होकर के मीनिंगफुल हो गया। बहुत कुछ देखा हमने, ये भी देखा कि उसके बाद में जो घोषणा पत्र था उसका नतीजा ये हुआ कि सिर्फ 2 सीटें लोकसभा में आई, क्योंकि वो एक उदार प्रजातंत्र की ओर जाने वाला रास्ता था जिसका अटल बिहारी वाजपेयी साहब ने बॉम्बे में घोषणा की थी। लेकिन जो जनसंघ के साथ में आस्था के प्रश्न जुड़े हुए थे, जिनको साथ में जोड़ तो रखा था, लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी के होते हैं उनमें वो ऐसा स्वर नहीं निकलता था जो भारतीय समाज के ताने बाने को हिला करके रख दे, या अलग तरीके से जिसमें जाति भी वर्ण भी सब कुछ जो हम देख रहे हैं वो सब वापस जीवित हो जाए, राष्ट्रशाही लोकशाही कैसे सारा सब सिलसिला बन जाए। तो ये दृश्य जब देखा, उसके बाद में बहुत बड़ी मात लगी और उसके बाद में जो परिवर्तन हुए, जो दूसरे अध्यक्ष बने और फिर रामलला का मंदिर, ये अयोध्या का मंदिर वाला सिलसिला आया, उसके बाद में तुष्टिकरण को लेकर के नाराजगियों के वो स्वर आए और भारतीय जनता पार्टी ने डेमोक्रेटिक तरीके से ही आगे चलने का सिलसिला किया। उस वक्त उनके पास में जो रणनीतिकार थे उनमें गोविंद आचार्य जैसे लोग थे जो चरित्र चेहरा बदलना चाहते थे, उनको स्वीकार कर रहे थे लोग। अडवाणी जी की और अटल जी की बात नहीं कर रहा मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो सचमुच में जमीनी स्तर पर बहुत तेजी के साथ में संगठन को बनाना चाहते थे। और उसका नतीजा ये हुआ कि 99 में जो तीसरी बार जब भारतीय जनता पार्टी का प्रधानमंत्री बने अटल बिहारी वाजपेयी, तो चीजें बहुत अलग थी। लेकिन उसके बाद में जो टेक्नोलॉजी का जमाना आया है,
और टेक्नोलॉजी के जमाने में कैसे सरवाइव कर सकते हैं, यहाँ पर फाइनेंसेस बहुत चाहिए, यहाँ पर कार्यकर्ताओं को वो सब सब चाहिए जो कि जरूरी है, तो वो भी करके दिखाया कि जो ब्रिटेन में या अमेरिका में पॉलिटिकल पार्टीज के पास में फंड्स होते हैं वैसे फंड्स भी हो सकते हैं। लेकिन इसमें मुझे यूं लगता है कि डेमोक्रेसी कहीं कत्ल हो गई, जो पार्टी का एक प्रजातांत्रिक स्वरूप था जो अटल जी और अडवाणी जी के वक्त तक नजर आता था, वैचारिक नाइत्तेफाकी हो सकती है लेकिन शत्रुतापूर्ण सिलसिला नहीं था, वो मुझे लगा कि 42 साल में भारतीय जनता पार्टी ने हासिल तो सत्ता की है लेकिन उस तरीके से इनको एक रास्ता बदलना पड़ा। और आज की तारीख में मैं कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी बहुसंख्यकों की पार्टी बनकर के रह गई है। अब बहुसंख्यक जिस दिन खफा हो गए तो फिर वही हाल होगा जो कांग्रेस का हाल हम देख रहे हैं कि कैसे कांग्रेस ने अपने डिक्टेटोरियल एटीट्यूड से हर प्रदेश खोते चले गए और आज जो स्थिति हमारे सामने। खैर, मेरी शुभकामनाएं हैं कि भारतीय जनता पार्टी अपने आंतरिक प्रजातंत्र को बनाए हुए आगे बढ़े, लोग कर लेंगे, ऐसा होता है, हो जाता है। दो लोगों के नाम से पहचाने जाने वाली पार्टी बहुत अलग किस्म की पार्टी है, और पहले जो पार्टी थी उसमें सिकंदर बख्त भी थे, उसमें भैरव सिंह शेखावत भी थे, उसमें अटल बिहारी वाजपेयी, हर बहुत सारे नाम थे जो अर्थपूर्ण थे और जिनके व्यक्तित्व को कहीं चुनौती देने का सिलसिला नहीं था, कोई उनके सामने उनको मतलब किसी के सामने वो अपनी कमर को झुकाते नहीं थे, समान संबंधों का सिलसिला था। आज वो नहीं है भारतीय जनता पार्टी। आज तो चलिए, दौर बदलता है, समय बदलता है, परिस्थितियां बदलती हैं, बहुत सारे ये कहूं कि समय की नजाकत पे सब कुछ डिपेंड करता है और वही स्थितियां देखने को मिलती हैं। 42 साल का बीजेपी का सफर, निश्चित रूप से पार्टी जिस मकसद के साथ में बनी थी उस ओर आगे बढ़ी, और ये कहूं कि एक दौर ऐसा आया कि 2 सीट और उसके बाद में पार्टी ने हार नहीं मानी। मैं एक बात भी कहना चाहूंगा, 42 साल के सफर में बहुत सारे लेसन भी छिपे हुए हैं जो मुझे लगता है कि वर्तमान में प्रासंगिक हैं, अगर उस अवधारणा को, उस चेतना को अगर दूसरी पार्टियां भी उसका अनुसरण करें। उसकी वजह मैं ये कहता हूं, रास्ता अपना होगा, मेहनत बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने जो की है आज 303 सीट पाने के लिए। कांग्रेस में जब सोनिया गांधी ने कहा एक दिन पहले ही कि हताश होने की आवश्यकता नहीं है, और दबी जुबान में कहीं ये जिक्र भी है कि बीजेपी भी कोई वक्त था जब 2 सीट पे चली गई थी, तो मैं वो लेसन की बात करता हूं कि राजनीति का दौर है, समय का दौर होता है। बीजेपी ने हिम्मत नहीं हारी थी। अटल बिहारी वाजपेयी का मुझे वो पोस्टर आज भी याद आता है जब माधवराव सिंधिया के सामने चुनाव लड़े थे और उनके हाथ में चोट थी, और उसके बाद में पार्लियामेंट का जब सेशन हो रहा था और मुद्दों को लेकर के वापस उसी तरह से जब मैदानी जंग में आए, और बोफोर्स का उसी पीरियड में एक मैटर जब सामने आया तो उसको लेकर के बीजेपी सहित दूसरी पार्टियां, फिर वीपी सिंह जी और सारी जो चीजें बनती चली गई, दौर अलग अलग आए लेकिन बहुत सारी चीजें जो बीजेपी ने काफी मेहनत के साथ में इस मंजिल तक पहुंचने का एक सफर तय किया है। उमेंद्र दादेश्री के पास में जाना चाहूंगा मैं। उमेंद्र जी, ये 42 साल का जो सफर रहा, अभी ओम सैनी साहब ने बड़ी बारीकी से इसको समझाया और लास्ट में जाके उन्होंने कहा कि एक जो मकसद रहा बीजेपी का वो अब ऐसा लगता है कि बीजेपी एक सद्भावना की, या कहूं कि देश की राजनीति में एक बड़प्पन रहा कि प्रतिस्पर्धा रही लेकिन प्रतिशोध नहीं रहा, वो कहीं बीजेपी में अब घर करता जा रहा है। मैं योगेन जी हैं, सबसे पहले तो ओम जी, भाई साहब, महेश जी यहाँ बहुत वरिष्ठ पत्रकार बैठे हैं, इनको इनके जो अनुभव है इनका हम लाभ उठाते ही मैं इनकी बात को आगे बढ़ाते हुए कहना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी जो कभी केवल 2 लोकसभा सदस्य लेके आई थी, इस पार्टी के अस्तित्व को लेके ही कई प्रश्न खड़े हो गए थे कि क्या होगा इस पार्टी का भविष्य। आज 17 राज्यों में एनडीए की सरकार है। अभी ओम जी भाई सब कह रहे थे कि बहुसंख्यकों के दम पे पार्टी चल रही है, मैं ये कहता हूं बहुसंख्यकों के नहीं, ये हिंदुस्तानियों के दम पे चल रही पार्टी, हिंदुवादियों नहीं, हिंदुस्तानियों के दम पे पार्टी चल रही, और जो पार्टी किसी राष्ट्रभक्तों की दम पे चलती है उसका भविष्य निश्चित बढ़िया होता है। और मैं यह बता रहा हूँ कि ये आज हम 42वां स्थापना दिवस भारतीय जनता पार्टी लोग मना रहे हैं, यदि इसी पार्टी ने इसी प्रकार से रीति नीति को बढ़ा के अपने विचारों को मजबूत बना के काम किया तो ये भी तय है कि 51वां स्थापना दिवस ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के ही नेतृत्व में ये भारतीय जनता पार्टी जल्दी ही मनाएगी। कभी जल्दी तो नहीं मनाएगा, तो 51 साल पूरे होंगे तभी मनाएगी, मतलब इसलिए मनाएगी कि ये कार्यकाल चलेगा, जनता मोदी जी को बनाए रखेगी, इसलिए 51वां वर्ष मनाएंगे तब तक जनता मोदी जी को देश के प्रधानमंत्री के रूप में देखती रहेगी। ठीक है,
अब यहाँ बात आती है भारतीय जनता पार्टी की, यदि बात की जाए तो हम इसको तीन कालखंडों में बांट सकते हैं। जनसंघ के समय में इस पार्टी की रीति नीति सोच विचार कुछ अलग प्रकार का था, आज कुछ इसमें समय काल या देश काल के हिसाब से कुछ बदलाव आना स्वाभाविक है। भाजपा की अब तक की यात्रा को हम तीन भागों में बांट सकते हैं। इसे पहला देश की एकता अखंडता के लिए काम किया, चाहे जब भी देश में कोई भी समस्या आई हुई तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने देश की एकता अखंडता का मुद्दा उठाया। आंदोलन से जो पार्टी उठी है उनमें हम ये कह सकते हैं देश में जितनी भी पार्टियां उठी है उनमें से एक भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो आंदोलन से उठी है। 1977 से 1980 तक का जो कालखंड रहा भारतीय जनता पार्टी का, पहली बार सत्ता का स्वाद चखने का भी एक मौका मिला। जब सत्ता का स्वाद चखने, पहले लोग कहते थे कि भारतीय जनता पार्टी को के लोगों को सरकार चलाना नहीं आता, केवल विपक्ष में रहना की आदत पड़ गई, विपक्ष में एक अच्छे विपक्ष की भूमिका निभा सकते हैं। लेकिन अटल जी के समय से, भैरव सिंह शेखावत के समय में राजस्थान में या अन्य राज्यों में जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, उन्होंने बता दिया कि एक सुशासन भी देना इस पार्टी के लोगों को आता है। इसका एक मुख्य कारण मैं मानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी में जो कार्यकर्ताओं को गढ़ा जाता है वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के माध्यम से गढ़ा जाता है, वो एक अच्छे कार्यकर्ताओं को घर के भारतीय जनता पार्टी में काम करने के लिए भेज देते हैं जिनकी इच्छा हो। देश की यदि राजनीति की बात की जाए तो तीन ऐसे ऐसे नेता है जिनकी बात की जाए, महात्मा गांधी, लोहिया और दीनदयाल। महात्मा गांधी के विचारों को के लोग भी आज भारतीय जनता पार्टी के साथ में, लोहिया के विचारों को मानने वाले लोग भी आज भारतीय जनता पार्टी के साथ में, और दीनदयाल की मूल भावनाओं को लेकर चलने वाले लोग तो भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं आज के दौर में। नहीं, लेकिन नेहरू और इंदिरा को मानने वाले भी हैं अब तो बीजेपी में। गांधी जी को मानने वाले लोग ही नेहरू इंदिरा के साथ चले गए थे, लेकिन वो क्या कि जब उन्होंने देख लिया कि आज उनका अस्तित्व कम है, आज जो बात कर रहे हैं नेहरू इंदिरा की बात कि कालखंड सी पे, ये आप उपेंद्र जी ये कहकर के आप अवसरवादिता की राजनीति को आप बढ़ावा देने की बात कह रहे हैं कि वो उनको छोड़ के लगा कि अब कांग्रेस में कुछ नहीं है, तो जब बीजेपी के लिए लगेगा जैसे ओम सैनी साहब कह रहे हैं कि अगर ये सिलसिला चला तो फिर ये बीजेपी का दामन छोड़ के रवाना हो जाएंगे। जब कोई बड़ी पार्टी बनती है तो दरवाजे सबके लिए खोलने पड़ते हैं, लेकिन जो मूल विचार का व्यक्ति है वो कहीं कितना भी दरवाजा बंद करो, कितनी भी बाड़े बंद करो, वो जाने वाला नहीं होता है। ये जो आयाराम गयाराम तो सब पार्टियों में चलता है। मैं यही बताना चाहूंगा, आज के दौर में सभी दलों में देख लीजिए वंशवाद की प्रक्रिया की आदत से बनी है। माननीय ओम जी भाई साहब, महेश जी भाई साहब, आपसे ये नहीं बता सकते कि भारतीय जनता पार्टी का अगला राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होगा, कौन व्यक्ति बन सकता है। लेकिन हमें, लेकिन चलिए परिवार, उमेंद्र जी केवल परिवारवाद केवल पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष तक ही, और जो अपने परिवार के अपने सपूतों को अपने परिवार को लोगों को कोई अवसर जैसे ही मिलता है कि चलिए इस बोर्ड का चेयरमैन बना दो या सांसद बना दो या विधायक बना दो या मंत्री बना दो, वो परिवारवाद नहीं है। कौन बनेगा लालू की पार्टी का अध्यक्ष, कौन बनेगा? मैं बात कर रहा हूँ कि मुखिया से किसी भी परिवार का यदि गुण अवगुण देखने होते हैं तो उस परिवार का मुखिया को देखा जाता है कि मुखिया कैसा है। हम बात पहले मुखिया से करेंगे, यदि मुखिया सही है, यदि हम देखेंगे मुखिया में यदि वंशवाद है, परिवारवाद है, तो बाकी बातें नीचे की तरह से होगी। अब आप, मैं यहाँ चलिए मैं वापस आ रहा हूँ सर आपके पास में। मैं महेश जी के पास में जाना चाहूंगा। महेश जी, आपने 1980 में जब बीजेपी की स्थापना हुई, मुंबई अधिवेशन जब हुआ, उस समय संसाधन बहुत कम होते थे, आज तो फेसबुक लाइव और पता नहीं क्या क्या, उस वक्त तो इंतजार करते थे कि या तो आपका कोरेस्पोंडेंट वहां पे बैठा हो जिसे इजाजत मिली हुई हो, या फिर आपको एजेंसी के माध्यम से खबर मिलेगी, और अगले दिन इंतजार होता था पब्लिक को कि अच्छा बीजेपी का अधिवेशन था, उसमें क्या हुआ, कौन अध्यक्ष बना। आज तो बोलने वाला बाहर नहीं निकलता, उससे पहले तो पूरे देश में राजनीति और सारी चीजें आ जाती हैं। वो एक दौर था। आज आईटी का, जैसे अभी कहा ओम सैनी साहब ने, कि आज आईटी का काल है और बीजेपी ने उसे जमकर भुनाने की कोशिश भी की है, भुनाया भी है, एक तकनीक का उन्होंने इस्तेमाल किया है, एक बहुत बदलाव देख रहे हैं हम, टेक्नोलॉजी में भी देख रहे हैं, वैसे भी बदलाव देख रहे हैं। लेकिन मैं बात सफर के, और सफर में कहीं लगता आपको बदलाव, उसको लेकर मैं जानना चाहूंगा। देखिए, इसके दो तरह से, आईटी सेक्टर में अगर जो जितना इस पार्टी को सपोर्ट मिला है और जिन्होंने इनके दम पे, आज जो इसका एक बड़ा उदाहरण ये है कि आज जो बीजेपी दावा करती है हमारी सदस्य संख्या, तो वो 18 करोड़ हो गई है इसकी सदस्यता संख्या। तो ये जो जिस तरह का जो है, तो तकनीकी ये तो है ही, और साथ साथ ही आपने ये देखा होगा दूसरा एक तकनीकी पहलू है कि जब एमिक्रॉन फैल रहा था और चुनाव आयोग ने जो अभी पिछला यूपी
चुनाव के अंदर जिस तरह से प्रतिबंध लगाया था, तो उस दौरान जो आईटी के माध्यम से जिस तरह से चुनाव प्रचार वगैरह हुआ, इसका भी एक ये उदाहरण है कि ये यूपी में और चार राज्यों में ये सत्ता में वापस लौटी है, ये आपने अच्छे प्रभाव से आई है। तो आईटी का तो काफी कुछ है इसमें योगदान, सोशल मीडिया का भी बड़ा योगदान है। संगठन की दृष्टि से भी देखा जाए तो ये पन्ना अगर चुनाव के देखा जाए, चुनाव को कैसे इन्होंने विशद गहनता से मतलब लिया है, उसका वो जो मुद्दे हैं, मुद्दे तो अलग है, परिवारवाद पे, राम मंदिर है, सब कुछ है, और जितने भी सामूहिक जो घटनाएं वगैरह जिसकी भी बनती है, बयानबाजी वगैरह वगैरह जो भी है, उनसे अलग अलग से माहौल बना। सबसे बड़ी बात यह कि राजनीति का अगर यूं देखा जाए तो राजनीति में हुआ क्या है, राजनीति में पहले मंडल से मंडल जब शुरू कमंडल कमंडल पे मंडल पर जबकि विजय हुई है, उसके बाद से ये राम मंदिर का इशू बना। एक चीज ये राम मंदिर का इशू ऐसा था जिससे ये काफी एकदम जंप मिला। दूसरा कि लोग 1989 से लेके 2013 तक गठबंधन सरकारों का हश्र जो हुआ है और जिस तरह का जो मतलब देखा जाए उसमें कहीं ना कहीं एक ये देखा कि कोई ऐसा मतलब मजबूत आदमी होना चाहिए जो पार्टी के साथ साथ ही देश को एक मजबूत नेतृत्व दे सके। दूसरा कि लगातार इन्हें मतलब क्या था, जब इनमें ये देखा व्यक्तित्व भर के जो आया तो उसमें नरेंद्र मोदी का नाम। अब नरेंद्र मोदी क्यों आए, अमित शाह क्यों आए, उसका कारण भी ये उस समय की यूपीए सरकार की वजह, जब ये गोधरा कांड ला हो, गुजरात कांड ले, जिस तरह से कुप्रचार हुआ, एक व्यक्ति को एक टारगेट बना करके बनाया गया। तो राजनीति में अगर आप किसी व्यक्ति को एक टारगेट बनाएंगे, उसे पूरा विश्व टारगेट बना रहा था नरेंद्र मोदी को, तो ये सारी जो चीजें चली है, तो उस समय एक बार लोगों ने ये सोचा कि यार इस आदमी में कुछ तो है जो इस समय देश को नेतृत्व दे सकता है, क्योंकि उस समय कई मतलब फैक्ट्स कई है। लेकिन ये मैं एक बात बता रहा हूँ, जो जनरल जो है गठबंधन सरकार से उपताहट और साथ ही जो पिछले यूपीए कार्यकाल में जिस तरह से बाहर से नियंत्रण हो रहा था, पॉलिसी मैटर हो या मतलब किसी तरह से सरकार चलाने की बातें हो या जिस तरह का जो भी तो सफलता है रही है, विफलता है रही, उससे कहीं ना कहीं आप आम आदमी सोचने को मजबूर हो गया कि किसी न किसी दल को एक महत्वपूर्ण स्थान दे दिया जाए। और तीसरा जो है कि परिवारवाद खूब मतलब जो एंटी जो चला परिवारवाद, आज ऐसा कौन सा दल है जिसमें परिवारवाद नहीं। भाजपा ने अपने आप को बचाने की कोशिश की है, शायद हो सकता है कि आगे मतलब इसको चीज में और भी इसमें संशोधन किया जाए, हालांकि ऐसी बात नहीं है, परिवारवाद तो है ही है भी कुछ ना कुछ है। हाँ ये है कि इन सारे सभी दलों में से चाहे वो सपा ले लीजिए, कांग्रेस ले लीजिए, ये आपके बीजद को ले लीजिए, आप आंध्र प्रदेश के जो मौजूदा मंत्री जो मुख्यमंत्री उनको ले लीजिए, तेलुगु देशम को ले लीजिए, अन्नाद्रमुक को ले लीजिए, सब जगह कहीं ना कहीं परिवारवाद चल रहा है, चाहे वो महाराष्ट्र में शिवसेना भी हो। तो ये सारे ऐसे जो माहौल एक साथ इकट्ठे हो गए जिसकी वजह से आज ये स्थिति है कि 300 में जो भी जो आप जो जो सांसद बने हैं या विधायक जो 307 में जो लोकसभा में पहुंचे बीजेपी के, उसमें ओबीसी और पिछड़ा वर्ग के। मैं एक बात जानना चाहूंगा, समय का अभाव है, बीजेपी की जो स्थापना जिस आइडियोलॉजी को लेकर के बनी थी, क्या समय के साथ उसमें कंप्रोमाइज किया गया या फिर ये कहूं कि उसी आइडियोलॉजी पे आज भी टिकी हुई है? नहीं, इसमें दो आइडियोलॉजी का मतलब यह है कि जैसे एक उदाहरण के लिए मैं बताता हूँ कि स्वच्छता अभियान जो गांधी जी के टाइम पे था, जो उन्होंने चलाया था, उसको सब भूल चुके थे, या कि गांधी पर विश्वास करने वाले भी लोग उस प्रोग्राम को भूल गए, लेकिन एक तरह से इन्होंने टच करने की कोशिश की ये अपने गांधी का सिद्धांत को, तो इन्होंने सारी चीजें सब जगह से लिए। आज गुट निरपेक्षता का जो भी एक सिद्धांत देखा जाए, विदेश नीति को भी ले लें, तो गुट निरपेक्षता जो नेहरू जी की थी, भले ही ये मतलब नेहरू जी की
उनको लेकर के नहीं है, लेकिन नेहरू की विरासत गुट निरपेक्षता की वजह से आज भारत की स्थिति यूक्रेन संकट में भी बहुत महत्वपूर्ण हो गई है। और इनके अलावा जो एक ये भी कहा जाता था कि ये प्रधानमंत्री तो ऐसा जो हमेशा विदेशों में ही रहता है, तो ये विदेशों में रहने का नतीजा ये हुआ है कि कोरोना काल के अंदर भी आपके पूरे पूरे जब संकट की स्थिति आई तो ये वहां से जो मदद आई है बाहर से, तो वो इन्हीं की मतलब बदौलत आई है। और साथ साथ ही इनका जो विदेश में भ्रमण संबंध जो बने नए नए तरह से, चाहे आप वर्तमान स्थिति में क्वाड का ले लीजिए, इसके अलावा ये आप जी, मैं माफी चाहूंगा महेश भाई साहब, मैं रोकना चाहूंगा आपको, समय का अभाव है। तो चलिए, तीन वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ में जुड़े जिन्होंने अपने अपने नजरिए से समीक्षा की है पूरे इस 42 साल के बीजेपी के सफर को। बहुत कुछ बात हो सकती है, लेकिन मैं जानना चाह रहा था कि एक पत्रकार के नजरिए से किस तरह से देखा जा सकता है इस सफर को। निश्चित रूप से बीजेपी ने 1980 में जो संघर्ष की शुरुआत की है और 2019 में 303 सीट के साथ में एक और बड़ी मंजिल पाई। क्लियर मेजोरिटी की बात करें तो 2014 में ही वो मंजिल हासिल हो चुकी थी, लेकिन उसके बावजूद भी और मेहनत के साथ में, निश्चित रूप से कहने को कुछ भी कहा जाए लेकिन एक मेहनत कार्यकर्ताओं की उसमें कही जा सकती है, एक लीडरशिप की बात आ सकती है, उसी को लेकर के सारी चीजें सामने आई हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम अतिथियों का, दर्शकों का। बड़ी खबर में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।